तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एसी का 5 टन का स्टॉकर है। स्टॉकर का मतलब ये है कि ये फर्नेंस में काम आता है, और इसका यूज जो होता है फर्नेंस में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मास्ट है, ये शॉर्ट मास्ट है, ये आपको सामने जो दिख रहा है ये हमारा शॉर्ट मास्ट है। और यहाँ सबसे पहले अगर फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमको एक प्लेट मिल जाता है, जिस प्लेट पे डेटा प्लेट बोलते हैं, इस पे सारी डिटेल्स दी होती है। इसमें आप देखेंगे तो ये कौन सा मॉडल है, AF50D, यानी कि AC4K50D, 5 टन की डीजल वाली मशीन है, डी मीन्स डीजल। इसके बाद ये जो पिन है, इस पे आपको दिया हुआ है इसका चेचिस, कब की मैन्युफैक्चरर है, ये जुलाई 2024 की है। ये हमारा इंजन नंबर है, इसमें इंजन नंबर यहाँ दिया हुआ है, ये कौन सा है, तो एफ बोल के स्टॉकर है, फर्नेंस, एफ मीन्स फर्नेंस स्टॉकर, ठीक है, आई मीन्स इंडियन। इसके बाद ये शॉर्ट मास्ट है 5 टन, ये आपको यहाँ से दिख जाता है। ये सामने देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्लास दिया गया है, क्योंकि फर्नेस में जो हीट होता है, डस्ट होता है, तो ये अच्छे विजिबिलिटी के लिए यहाँ पे ग्लास लगाया गया है। और जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा, तो उसको जो फर्नेस में से कोयला उड़ के जो जाएगा वो उसको ना लगे, इसके लिए उसको एक सेफ्टी भी सामने से मिल जाता है। सामने से अभी देखेंगे तो ये देखिए, फ्रंट में जो दो टायर हैं, दोनों टायर को गार्ड दिया गया है, टायर गार्ड भी दे रहे हैं हम लोग अभी इसमें। और आगे में देखेंगे दो वर्किंग लैंप दिया हुआ है और इंडिकेटर वाला हिस्सा दिया हुआ है। एक बार मशीन को हम चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, और ये आपका फ्रंट सॉलिड टायर है, और ये आपका रियर का भी टायर है, जो स्टेयरिंग इसी से रहता है, घूमता है, ये भी आपका सॉलिड टायर है। एसी का लोगो है, ये हमारा सीट, अभी हमने इसको खोल कर रखा है क्योंकि इंजन और ट्रांसमिशन को हमको एक्सेस करना है। ये पीछे से देखेंगे तो ये हमारा काउंटर वेट हो गया, और पीछे से ये जो हिस्सा दिया हुआ है, इसमें आप पिन लगा के इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, ये साइलेंसर, पीछे दो लाइट लगी हुई हैं, ये साइड से देख लेंगे तो इसी साइड से ये जो प्लेट है, अभी हमने प्लेट ये खोल के रखा है ताकि हम लोग इंजन और ट्रांसमिशन को अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। ये हुड है हमारा जो कि ऐसे उठ जाता है, यहाँ एक साइड की बैटरी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको एक बार इसको चारों तरफ से दिखा दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये 4 सिलेंडर का इंजन है, इंजन से ये लगा हुआ हमारा ट्रांसमिशन, और ये हमारा इधर राइट साइड में देखेंगे तो हाइड्रोलिक टैंक है, और हाइड्रोलिक टैंक यहाँ पे हमारा कंट्रोल लीवर लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा स्टीयरिंग यूनिट है, स्टीयरिंग से रिलेटेड। और पीछे देखेंगे तो हमारा लगा हुआ है रेडिएटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम इंजन ऑयल चेक करते हैं, लेवल, जब भी मशीन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हमको लेवल चेक कर लेना होता है, इंजन ऑयल का लेवल परफेक्ट है। कभी भी मशीन स्टार्ट करने से पहले हमको क्या होता है, इंजन ऑयल का लेवल चेक करना ही होता है कि लेवल सही है। इससे क्या होता है कि इंजन का लाइफ बढ़ता है, और हमको पता चल जाता है पहले कि इंजन ऑयल कम तो नहीं है, कम होगा इंजन ऑयल तो इंजन ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अभी यहाँ से हमने इंजन ऑयल को चेक कर लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये गेज दिया हुआ है ट्रांसमिशन ऑयल को चेक करने के लिए। ट्रांसमिशन ऑयल वैसे जलता नहीं है, लीकेज होगा तभी कम होगा, तो और बहुत लंबा समय चल जाने पे ये क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है। तो यहाँ से आप ट्रांसमिशन ऑयल चेक कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पे मैंने बताया आपको हाइड्रोलिक ऑयल का गेज यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको खोल के यहाँ से आप हाइड्रोलिक ऑयल को चेक कर लेंगे, हाइड्रोलिक ऑयल का लेवल परफेक्ट। तो इधर से आपको 3 चीज़ें चेक करनी है जो मैंने बताया आपको, हाइड्रोलिक, इंजन और ट्रांसमिशन। अब बात कर लेते हैं फिल्टर की। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा डीजल फिल्टर हो गया, इसके जस्ट नीचे भी देखिए हमारा यहाँ पे एक और डीजल फिल्टर लगा हुआ है, जिसके ऊपर में हमारा फीड पंप है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, हाँ वो फिल्टर आपको जो दिख रहा है, हाँ ये वाला जो फिल्टर है, ये फीड पंप के साथ है, डीजल फिल्टर हमारे 2 हो गए। ये जो फिल्टर आपको दिख रहा है, ये हमारा हो गया हाइड्रोलिक का फिल्टर, ये हाइड्रोलिक होज के साथ कनेक्टेड है, आपको दिख भी रहा होगा। और इसके जस्ट नीचे जो जा रहा है वो हमारा ट्रांसमिशन और फिल्टर हो गया। तो 4 फिल्टर्स जो है इस साइड में है, एक फिल्टर जो है उस साइड में है, इंजन ऑयल फिल्टर, तो अभी उधर जाएंगे। ये हमारा यहीं पे हमारा देखिए इलेक्ट्रिक का भी जो फ्यूज़ है वो यहाँ पे आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, रिले, ठीक है, फ्लैशर, स्टार्टर रिले, फ्लैशर एंड फ्यूज। बैटरी आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक्साइड का बैटरी है, 130 एम्पियर का ये बैटरी है हमारा एक्साइड का, 12 वोल्ट का। और पीछे में वो हमारा देख पा रहे हैं, वो है रिवर्स हॉर्न,
फिलहाल इधर से हम इतनी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एक स्टार्टर यहाँ पे अंदर में लगा हुआ है स्टार्टर। अब चलते हैं हम लोग उस साइड, और उस साइड से हम आपको दिखाते हैं जो चीज़ें वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अब इधर आते ही देखिए, हमने ये खोल के रखा है, ये हमारा एयर फिल्टर असेंबली, ये आपको दिख रही है एयर फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये नीचे में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है जो इंजन ऑयल फिल्टर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ। तो हमने राइट साइड में टोटल 4 फिल्टर एक्सेस किया, और इधर बात कर लें लेफ्ट साइड में तो 2 फिल्टर हैं। ये हमारा मास्टर सिलेंडर है विथ इसके ऊपर ऑयल बॉक्स इसके साथ ही है, जो मास्टर सिलेंडर में जो ऑयल लगा ब्रेक ऑयल का, ये यहाँ पे इंजन हमारा 4 सिलेंडर है, टर्बो चार्ज इंजन है, यहाँ पे अल्टरनेटर है, और वहाँ पे आपको दिखेगा रेडिएटर का जो वहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, कूलेंट का बॉक्स है, कूलेंट अभी फुल है उसमें, यहाँ से दिख पा रहा है अच्छे से, तो वहाँ से हम लोग कूलेंट को इस मशीन में डालेंगे। तो फिलहाल अभी इसके अंदर इतना सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया। अब आपको बताते हैं बाहर से, ये इस साइड उस साइड में जैसे हमारा हाइड्रोलिक का टैंक था, सेम इस साइड में हमारा जो है ये डीजल टैंक है। डीजल फिलिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ पे एक स्टिकर भी दे रखा है कि आपको डीजल फिलिंग यहाँ से करना है। अभी हमने यहाँ पे देखिए ये प्लेट जो है, प्लेट को लगा दिया है, अभी ये बिल्कुल ऐसा हो गया। अभी ऊपर आएंगे आप ऐसे एक्सेस करेंगे तो ये बढ़िया आपको सीट मिल जाता है बैठने के लिए। ये हमारी स्टीयरिंग, जैसा कि सीट पे बैठने के बाद आप देखेंगे, अगर आप इधर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, चेक बिफोर ड्राइविंग, क्या क्या करना चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल चेक कर लेना चाहिए, जॉइंट्स पंप वगैरह सब चीज़ देख लेना चाहिए, ब्रेक पैडल वगैरह अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। और आप इधर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, तो ये सारा लिस्ट है जो कि आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इधर में, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाता है ये हमारा डिस्प्ले, और डिस्प्ले में फ्यूल दिया हुआ है, ऑयल प्रेशर दिया हुआ है, और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, बैटरी का दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है आरपीएम और आवर मीटर शो करेगा। अभी जैसे ये चाबी ऑन करेंगे, अभी फ़िलहाल ये दिखाते हैं, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स, ये न्यूट्रल में है, आगे किया तो फॉरवर्ड और ये पीछे किया तो रिवर्स, ये हो गया न्यूट्रल में। ये हमारा पार्किंग ब्रेक, ये ऐसा लगा दिया तो पार्किंग ब्रेक लग गया, यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है 20-25 kg तक का पार्किंग ब्रेक का, ये अभी छुड़ा दिया। यहाँ पे लोड चार्ट आप देखेंगे, ये हमारा सिंगल लीवर, क्योंकि देखिए अक्सर आप लोग फोर्क्लिफ्ट में देखते होंगे 3 लीवर तो रहता है, 2 या 3 लीवर तो रहता ही रहता है, बट यहाँ पे सिंगल है। सिंगल इसलिए कि ये है हमारा फर्नेंस के लिए, तो इसमें हमको सिर्फ क्या करना है कि बूम को उठाना है, और मतलब टिल्ट सिलेंडर जो लगा हुआ है इसको टिल्ट करना है और अंदर की तरफ लेना है, तो ये हमारा एक लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा हॉर्न के लिए दिया हुआ है, है ना, ये हमारा जो कम्युनिकेशन स्विच है, यहाँ पे लाइट्स कंट्रोल हैं, और यहाँ पे ऑन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी लगी हुई है इग्निशन स्विच, स्विच को ऑन करते ही देखेंगे यहाँ डिस्प्ले में लाइट आ गया। अभी ये हमारा इधर देख रहे हैं तो इंडिकेटर जल रहा है, क्योंकि ये हमारा जो है नीचे की तरफ हो चुका है, अभी इसको हम लोग, तो अभी देखिए अभी लाइट ये बंद हो गया, हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया। देखिए अभी डिस्प्ले में हमको दिखा रहा है न्यूट्रल, हमारी बैटरी में भी लाइट आ रहा है, इसका मतलब हमारा बैटरी चार्ज है। और यहाँ पे दिया है स्टार्ट पुश बटन, तो इसको हम लोग दबा कर, ये हमारी हो गई मशीन स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले में फ्यूल कम है, इसमें डीजल डालना पड़ेगा, और अभी आवर जो देखेंगे वो है 1.3, ठीक है। इसका ऑयल प्रेशर कौन सा है? तो अभी हमारा इंजन चालू है, और आप देख लीजिए यहाँ पर आरपीएम, हीटिंग टेम्परेचर, बैटरी, फ्यूल बहुत कम है इसमें, और ये हमारा इंजन प्रेशर, अभी कोई सिग्नल इसके अंदर नहीं आ रहा। ये हमारा हो गया मिरर देखने के लिए पीछे में, और ये आप देख लें सॉलिड टायर, और यहाँ पे जो टायर लगे हुए हैं दोनों सॉलिड टायर हैं, और टायर की साइज है 26x7x12, यहाँ पे देखें 26x7.12, और
और ये जो फ्रंट में टायर है इसका है 300x15, बट ये गार्ड की वजह से नहीं दिख रहा है। गार्ड खोलने के बाद आपको दिखेगा। ये सामने में दो टिल सिलेंडर लगे हुए हैं मजबूत से बिल्कुल, जो कि हमारे इस मास्ट को टिल्ट करने का काम करेंगे। तो अभी आपको मैंने दिखा दिया ये मशीन को चारों तरफ से स्टार्ट करके, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं।